वेलकम टू अटल टिंकरिंग लैब विद्यापीठ सपरी। आज हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वह है सॉइल मॉइस्चर सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट है। ओके, कौन सा है? सॉइल मॉइस्चर सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक खेत की जगह पर पौधे को गमले के रूप में लिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर जैसे ही यहाँ पर पानी इसको मिल जाता है ना, उसके बाद ये ऑटोमेटिक पानी को बहाना बंद कर देता है वाटर पंप के माध्यम से। ओके, ये इसका उद्देश्य रहेगा। तो इसी प्रकार से हम इसको खेत में यूज कर सकते हैं कि जब भी फसल के लास्ट पौधे तक पानी पहुंच जाएगा और पहुंचने के बाद पानी की बर्बादी ना हो और बेवजह हमारी मोटर को समस्या ना हो, विद्युत की बेवजह हमारी बिजली वेस्टेज ना हो, वो सबसे बचने के लिए ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। ओके, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी इसको देखते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट इस प्रकार है, एक इसके लिए चाहिए आर्डिनो विद आईओ पोर्ट और एक रिले और एक हमारा सेंसर, उसका नाम क्या है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, और एक वाटर पंप। ओके, और साथ में बैटरी। इसका आप डायग्राम देख रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं इस तरह से। ओके, इस टाइप से हमारी एक रहेगी जी आर्डिनो, है ना, और ये रहेगा हमारा क्या, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, और ये रहेगा हमारा ब्रीड बोर्ड, और ये रहेगा क्या क्या रहेगा, ये रिले, और ये 9 वोल्ट बैटरी है, और ये हमारा क्या रहेगा, वाटर पंप। ओके, ये सामग्री रहेगी। अब हम जानेंगे अपने सेंसर के बारे में। ओके, आप डिस्प्ले देख रहे हैं कि हमारा जो सेंसर है ना, सेंसर के दो हिस्से होते हैं, ये जो हमको जो मिट्टी में इसको एडजस्ट करना है, गाड़ना है, जो भी कह सकते हैं, और दूसरा ये सेंसर प्लेट। ओके, इसमें दो हिस्से होते हैं, प्लस और माइनस। अब जैसे ही ये मिट्टी जाता है ना, तो यहाँ से ये कनेक्शन कम्प्लीट हो जाता है, उसके पहले काम नहीं करता है। जैसे ही इसके पास पानी पहुँचता है तो पानी के माध्यम से दोनों सरों से इसका सर्किट कम्प्लीट हो जाता है, तब ये वर्क करता है। उसके बाद फिर इसकी बात करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इस साइड जो प्लस और माइनस, सेंसर प्लस और सेंसर माइनस, तो सेंसर प्लस को सेंसर प्लस से कनेक्ट करना है और सेंसर माइनस को सेंसर माइनस से कनेक्ट करना है। ये तो नीचे वाला हिस्सा हो गया। अब इधर जो आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे वो हिस्सा देखिए, आप देखिए ये जो पहली पिन है ना, ये कहलाएगी एनालॉग पिन, और सेकंड पिन डिजिटल आउटपुट पिन यानी कि डीओ। ओके, और इसमें थर्ड पिन जो है वो जीएनडी है और फोर्थ पिन बीसीसी है। ओके, इस तरह से हमारा क्या बन गया, सॉइल मॉइस्चर सेंसर का डिस्क्रिप्शन, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा और देखें आप विशेष रूप से कि ये जो है ना, ये एडजस्टर है। कई बार क्या है कि आपका सेंसर काम नहीं कर रहा, तो इससे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगला आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है एलईडी, ये एलईडी है। जैसे हम इसमें करंट भेजते हैं जीएनडी ओबीसीसी, तो ये एलईडी क्या होती है, ये जलेगी, है ना, ग्लो हो जाएगी। और ये एलईडी जो है ना, ये अपना क्या करेगी, ये आउटपुट दिखाएगी। तो इसमें से एक एलईडी जो रेड जलेगी वो इसको पावर को शो करेगी, और दूसरी एलईडी जलेगी वो किसको शो करेगी, आपके सर्किट कंप्लीट होने को, वर्क करने को। ओके, कलर कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें और सीखने योग्य बात क्या है, सीखने योग्य बात यह है कि जब हम इसे कंप्लीट करते हैं ना, तो इसको कोड के अनुसार यूज करना पड़ता है। कैसे, यदि आपने कोड में एओ यूज किया है तो हम एओ यूज करेंगे, यदि आपने डीओ यूज किया है तो डी यूज करेंगे, यानी कि इसमें दोनों डी रहती हैं, ए ओ और
डीओ। तो जो भी आपने यूज किया, कोई एक यूज करते हैं इसमें, डीओ या एओ, वो भी कैसा, कोड के अनुसार। ओके, आप चलते हैं कोड की, कोड की, वो यदि कोड में आपने जो भी यूज किया उसे यूज करेंगे। ओके, ये हमारा रहा कोड, कोड दिख रहा है आपको। इस कोड में आप देख सकते हैं तरीके से, क्या दिख रहा है आपको, सेंसर पर हमने एओ यूज की है, कौन सी यूज की है, तो इस तरह से हम सेंसर का एओ ही यूज करेंगे आज, है ना। अगर यहाँ पर सपोज करिए आपने डीओ यूज किया है कोड में, तो डीओ यूज करेंगे यदि कोड में डीओ की बात की है। दूसरा, आपके जो रिले पिन है ना, वो 10 नंबर पर काम करेगी, कितने पर, 10 नंबर, तो आपको डिजिटल पिन 10 पर कनेक्ट करना है। ओके, किसको, आपकी रिले को, डिजिटल पिन, आर्डिनो की डिजिटल पिन होती है, उस पर 10 पे इसको कनेक्ट करेंगे और सब कुछ यथावत रहेगा। नीचे आप देख सकते हैं इसके टाइमिंग जो है ना, वो यदि हम चाहते हैं कि काफ़ी पानी पौधे के, लास्ट पौधे के पास काफ़ी पानी पहुंचने के बाद ही वो बंद हो, है ना, तो इस टाइम को हम बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने 500 लिया है एक्सपेरिमेंट के रूप में, इसको हम 1000-2000 भी कर सकते हैं। ओके, काफ़ी पानी पहुंचने के बाद ही वो ऑपरेट होगा, बंद होगा यानी कि। ओके, आगे बढ़ते हैं, इससे कनेक्ट करेंगे आर्डिनो को। आर्डिनो कनेक्ट करने के बाद हम इस कोड में जाएंगे और कोड में जाके पहले आर्डिनो हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये रहा, और इसको वेरीफाई करते हुए इसको हम अपलोड कर देंगे। देखिए ये स्केच हो रहा है पहले, और स्केच होने के बाद ये हो गया, अपलोडिंग स्टार्ट हो गया, ये लिख के आ गया डन अपलोडिंग। ओके, तो ये अपलोड हो चुका है। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा कि इस कोड के अकॉर्डिंग हम इसमें कनेक्शन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कोड के अकॉर्डिंग, हाँ कनेक्शन करेंगे। और कनेक्शन करने के बाद आप देखिए, पहले एक कर लेंगे हम ब्रीड बोर्ड लेंगे, इस ब्रीड बोर्ड पर हम ए माइनस को, माइनस को माइनस से जोड़ेंगे, माइनस को इस पर पास कर लेंगे। ओके, ये हमारा माइनस पास हो गया, और फिर हम प्लस पास कर लेंगे, तो ये रहा हमारा 5 वोल्ट प्लस पास हो गया। ओके, यहाँ से हमने क्या कर लिया बेटा, प्लस पास कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ये सेंसर रहेगा, हम इसको दोबारा आपको दिखा दे रहे हैं कनेक्ट करके। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लस लगा है, तो इसके प्लस को के और इसके प्लस से हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसके प्लस से कनेक्ट कर देंगे, राइट। ओके, और इसके माइनस को, ये रहा इसका माइनस, ओके, इसके माइनस को इसके माइनस से कनेक्ट कर देंगे, कंप्लीट। अब इसके बाद इसको यहां पर ऐसा लगा देंगे, इस पे लगा दिया ना, पहले इसको देख लें आप, यहां पर सबसे पहले देखें आप, यहां पर सबसे पहले क्या जा रहा है इसमें, बीसीसी, फिर क्या जा रहा है, जीएनडी, फिर डी ओ, फिर ए ओ, यानी कि बी सी सी इस साइड से है, बी सी सी कहाँ से है, इस साइड से है बी सी सी। ओके, अब थोड़ा जंपर्स और चाहिए हमें, वो बॉक्स जंपर्स का भाई भाई। ओके, देखें तो यहाँ पर हमने
तीन जम्पर्स ले लीजिए। ओके, ये रहा आपका प्लस माइनस, क्या रहा प्लस प्लस माइनस, यहाँ से हमने प्लस माइनस को डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया। और इसको हम क्या करेंगे, इसको इसको बनाएंगे हम AO, AO से यहाँ कनेक्ट करेंगे। ओके, इसका AO और इसके AO से ये रहा कनेक्ट, हो गया। और यदि ये सही जा रहा है तो इसमें लाइट अभी पहुँचने वाली है, करंट पहुँच जाएगा। पहले नंबर पे वी और वो BCC रहेगा और फिर रहेगा GND। ओके, अभी ये थोड़ा उल्टा जा रहा है क्या, थोड़ा देखें इसको दोबारा में। राइट, तो क्लियर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे करंट पहुँच जाता है कनेक्शन के बाद तो लाइट जल जाती है, जल जाती है इसकी। और इसकी जो अभी ग्रीन लाइट है वो काहे के लिए, वो केवल पावर दिखाने के लिए, रेड लाइट वर्क के लिए है। तो इसको हम स्टार्ट, मतलब इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ए हम उधर से पानी लाओ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये पानी जाएगा, देखिए उसकी एक लाइट और दिख रहे होंगे आप, देखिए फिर से देखिए, दिख रही है आपको एक, इसकी एक लाइट और जल ब्लिंक हो रही है, जल रही है ना, राइट। तो आपका रेडी हो गया। अब यहाँ से हम इसमें रिले कनेक्ट करते हैं, तो आप देख रहे हैं कोड में आपका सेंसर पेन तो हमने कर ही दिया AO से AO। अब जो रिले है ना, रिले को हम पावर देंगे सबसे पहले, ओके, और पावर कैसे देंगे AC की, आप रिले को पावर कैसे देते हैं, थोड़ा मेल टू फीमेल निकाल लीजिए, प्लस और ये रहा माइनस माइनस, ओके, और इसको यहाँ दे देंगे इसमें, किस पर, रिले पर, GND से, देखिए जल गया ना। ओके, अगर ऐसा पावर आता है जल जाता है। और इसको इन करने के लिए, सिग्नल देने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ये नेस्ट, ओके, और इसको किससे यूज करना है हमको, इसके 10 नंबर से, कितने से, 10 नंबर से। तो 10 नंबर आपका ए रहा, 9 के बाद 7, 8, 9 और 10, ओके, ये आपका 10 नंबर रहा, ठीक। अब इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, ये वर्क कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे LED जलेगी, देखिए कट भी करेगा, हो गया ना, कुछ समय बाद देखिए एक कट कर दिया, दोबारा फिर देखें आप, थोड़ा टाइम लेता है, हो गया ना, ओके। अब इसको देखें आप, ऑटोमेटिक हो जाएगा, बाद में पानी हट जाएगा। तो अब इसके बाद इससे अपनी जो मोटर है ना, इस मोटर के सिस्टम को देखते हैं, यहाँ देखें आप। अगला हमारा ये मोटर है, इसका सिस्टम क्या रहेगा देखें आप, ये रही आपकी मोटर। और मोटर के लिए सबसे पहले आप देखें, थोड़ा कपड़ा देना, पानी साफ कर, इसको यूं डालो उसमें। ये हमारी बैटरी है, ये इसका स्विच है, ओके। अभी इधर देखिए आप, इधर लगाइए फोकस, अभी ये डायर चल रही है, देखिए ये क्या चल रही है, देखिए पानी चल रहा है, ये डायर चल रही है। हम क्या करेंगे, इसको पहले ऑफ करेंगे, और ऑफ करने के बाद यहाँ देखिए आप, ये
इसका देखिए ऑफ करने के बाद इसका एक बार तो हम डायोड भेज देंगे, एक बार डायोड भेज देंगे और सेकंड बार जो है ना वो निकाल के इसमें एक आउटपुट है और एक इनपुट बन जाएगा, तो यहाँ इसमें अपन एडजस्ट कर देंगे। ओके इसके कसने के लिए स्टॉप करना है, इसको पहले खोल लेंगे और एक वायर को पहले इसमें दे देंगे, दे दिया ना, इसको एडजस्ट करना पहले। तो एक इसमें लगा दिया और हमने इसको ये कस दिया। ओके और सेकंड आउटपुट इसमें ले लेंगे हम। ओके अगर यहाँ पर वर्क उल्टा हो रहा है मान लो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो बाद में, तो आपके हिसाब से काम करेगा। ओके देखिए अभी ये चल रहा है क्या, देखिए ऐसा हाँ चल रहा है, पानी कम पड़ गया सही कर रहा है। इसका पानी इसमें निकालना, निकालो सब पानी इसका। आपका रेडी हो चुका है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने ये सिस्टम स्टार्ट किया, सपोज करिए ये मोटर हमारी बराबर चल रही है, देखिए चल रही है ना। अब जैसे ही आपका पानी इस सेंसर के पास में आएगा, देखें आप, देखिए जैसे ही वो सेंसर के पास में आएगा तो यहाँ देखें आप, यहाँ देखिए ये कट कर देगा इसको, कट कर दिया ना, कर दिया कट ऐसे। तो आप इसको इसी प्रयोग को देखिए दोबारा हटा देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा दोबारा में, उस समय बता भी देखिए आप, देखिए दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके पानी बैटरी इसकी डाउन हो गई, और तो बुरी चल रहा है ना पहले से, कितना छोड़ गया कि सिस्टम को इसमें यहाँ लगा दिया, लगा दिया ना, एक गाड़ दिया सिस्टम। ओके ठीक है, एक भैया इसको पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लीजिए। ओके और हमको यहाँ ये फोकस करना है कि जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी ना तो आप इस साइड से पकड़ पड़ा, इस साइड से आप ऐसे सीधा पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपका वाटर पंप रहा, ओके क्या रहा ये वाटर पंप दिख रहा आपको, और ये आपका ऐसे सीधा पकड़िए, ये इसमें लगा दिया हमने, दिख रहा आपको क्लियर, कैमरा ऑन है ना। अब यहाँ यहाँ फोकस करिए, साइड सब सिस्टम रेडी है, यहाँ से हम मोटर स्टार्ट करते हैं। ओके देखिए अब पानी बराबर चल रहा है, अब यहाँ देखें आप, देखिए ये जल गया ना रिले का, और ये पानी चलना बंद हो गया क्योंकि पानी पहुँच गया उसके पास। ओके और जब तक इसके पास पानी है ये स्टार्ट नहीं होगा, और जैसे ही इसके पास पानी कमी आएगी तो ये वाटर मीटर स्टार्ट हो जाए। इसका हम प्रयोग दोबारा कर सकते हैं, सपोज करिए इसको निकाला हमने यहाँ पे और निकाल के यहाँ लगा दिया सूखे में, देखिए सूखे में लगा दिया इसको, देखिए दोबारा फिर स्टार्ट हो गया, और जैसे ही पानी पहुँच जाएगा इसके पास में तो ये ऑटोमेटिक इसको बंद कर देगा, देखिए ये दोबारा बंद हो गया, ये जल गया, यानी कि एक ये ग्रीन लाइट जलती है ना तो मतलब ये कट करने की जलती है, ये बंद हो गया दोबारा, आपने स्पष्ट हो गया। ऐसे ही इसको हम अपनी खेती में यूज कर सकते हैं, हमारे किसान भाई यूज कर सकते हैं खेती में। और इसको लगाने तरीका क्या होता है कि हम इसको जब लगाएंगे ना, इसको लगाएंगे ना इसको, तो इसे कहाँ लगाना है जैसे सपोज करिए, हाँ मैंने खींच दिया दोबारा स्टार्ट हो गया वो, ओके ओके ओके। अब इसे कहाँ लगाना है,
थोड़ा यहाँ ऊपर से फोकस करो बेटा, ऐसे ऊपर से। सपोज कर ये खेत है आपका, क्या है खेत, तो अपन को इसको खेत के, हमको खेत के लास्ट सिरे पर लगाना है, जो लास्ट सिरा ऐसा सिरा जो जहाँ पर सबसे बाद में पानी पहुँचेगा। तो पानी यहाँ से चलता होगा, स्टार्ट होगा और यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक इसको कट कर देगा लास्ट में। ओके थैंक यू। और हमारे बच्चों का और हमारे, आइए आइए साइड आइए। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है, हमारे बच्चों की मेहनत कुछ काम आपके आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।